नमस्कार व्यूअर्स, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट की, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि उसी से आपको हमारे नए वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, अब आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं, बच्चों की कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करें, बच्चों को कैसे मनी मैनेजमेंट का गुण सिखाएं, और 14 नवंबर जो बाल दिवस है उसको कैसे सफलतापूर्वक सेलिब्रेट करें ताकि आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकें। उनकी पढ़ाई के खर्चे जिस तरीके से दिनों दिन लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरीके से उनके हायर एजुकेशन की प्लानिंग आपको करना है, अगर आप करेंसी डॉलर डेप्रिसिएशन को समझते हैं तो जिस तरीके से विदेशों में बच्चों को पढ़ाना महंगा हो रहा है, लगातार सीपीआई इन्फ्लेशन 7% के आसपास बढ़ी हुई है, पर अगर एजुकेशनल इन्फ्लेशन का फिगर आप देखेंगे तो लगातार 2 डिजिट के आसपास एजुकेशन की इन्फ्लेशन बनी हुई है। कोई बच्चा जो कि लगातार अच्छे नंबर ला रहा है और अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेस की कमी के कारण कोई पेरेंट्स अगर उसको सही एजुकेशन नहीं दे पाते हैं तो फिर उसका सही तरीके से भविष्य का निर्माण नहीं होता है। तो 14 नवंबर बाल दिवस के उपलक्ष्य में हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जो पॉइंट्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आप उसको अपने भविष्य में आप उसको उतारेंगे, कोशिश करेंगे कि आप उन सारे फाइनेंशियल पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करें ताकि आप अपने भविष्य में जो बच्चों के खर्चे हैं, चाहे एजुकेशन के खर्चे हैं, चाहे उनके हायर एजुकेशन के खर्चे हैं, या उनके आगे मैरिज के खर्चे हैं, या उनके और कई अगर आपको कोई बिजनेस उनसे कराना है किसी भी तरीके का, तो मनी मैनेजमेंट के क्या उत्कृष्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं बीइंग अ पेरेंट्स, जिनको आप इंप्लीमेंट करके अपने बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आपको अंत तक इस वीडियो में बने रहना है, अगर आप अपने बच्चों के प्रति सजग हैं तो आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूं उसमें मैंने कोशिश की है कि कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट दूं आपको और कुछ आपको इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट बताऊं। तो एक उत्कृष्ट पोर्टफोलियो का निर्माण तभी होता है जब उसमें डेट और इक्विटी के बीच में जो है सही पोर्टफोलियो एलोकेशन हो। तो अब सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो कि डेट कैटेगरी से आता है दोस्तों, वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अर्थात पीपीएफ। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे का डेट इंस्ट्रूमेंट में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको पीपीएफ की तरफ जाना चाहिए। पीपीएफ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक एक टैक्स एग्जेम्प्टेड इंस्ट्रूमेंट है, अर्थात अगर इसमें आप एज अ पेरेंट इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चे के लिए, जब आपका बच्चा माइनर है तो पेरेंट्स जो है इसमें उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको इनकम टैक्स में 80C में जो है 1.5 लाख रुपए की तक छूट का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा जो कॉर्पस तैयार होगा 15 वर्ष का इसमें लॉक इन पीरियड होता है, 5 साल का इसमें आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। तो अगर 15 वर्ष के लॉक इन पीरियड के बाद में जो आपका कॉर्पस जनरेट होगा, जो इंटरेस्ट रेट इसमें कंपाउंड होगा, उस पैसे पे आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा और वो पूरे पैसे का उपयोग आप अपने बच्चे के भविष्य के निर्माण में कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि पीपीएफ आप कहां कहां ओपन करा सकते हैं। तो पीपीएफ आप जो है शेड्यूल्ड बैंक्स में ओपन करा सकते हैं, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी पीपीएफ ओपन करा सकते हैं, और उसमें ईसीएस के माध्यम से भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लमसम कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पहला इंस्ट्रूमेंट है जो आपके बच्चों की प्लानिंग में एक जबरदस्त रोल प्ले कर सकता है। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, वो सुकन्या समृद्धि योजना है। अगर आपकी बच्ची है आपके पास में तो आप सुकन्या समृद्धि योजना का जो है बेनिफिट ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में अच्छी बात यह है कि इसमें जो कॉर्पस जनरेट होता है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड रहता है, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो जनरल जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे करीब करीब 1% ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो इसमें भी अगर लॉक इन पीरियड की बात करें, उसके बाद में जो पैसा मिलता है वो आपके गर्ल चाइल्ड के भविष्य के निर्माण में उपयोग हो सकता है। तो दूसरा जो डेट इंस्ट्रूमेंट है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। अब दोस्तों, इन इंस्ट्रूमेंट के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट डेट कैटेगरी में है और इक्विटी कैटेगरी में है वो म्यूचुअल फंड्स का है। म्यूचुअल फंड्स में आपके पास बहुत सारे डेट के भी ऑप्शन होते हैं, इक्विटी के भी ऑप्शन होते हैं, उसका कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं।
म्यूचुअल फंड में आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी ले सकते हैं SIP के माध्यम से, आपको अपने बच्चे के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो वो एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, इसलिए आपको इंडेक्स फंड से स्टार्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में हमेशा आपको इंडेक्स फंड और अपने बच्चों के लार्ज कैप जो डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इनमें काफी सिक्योर्ड कंपनीज रहती है, और इंडेक्स फंड में जैसा कि नाम से पता चलता है कि इंडेक्स के ऊपर होता है, तो इस तरीके से एक इंडेक्स की जो ग्रोथ स्टोरी है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो म्यूचुअल फंड्स का है। चौथा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF का है। जैसे कि जो लोग ETF के बारे में जानते नहीं है, तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके एक डिटेल्ड वीडियो हमने ETF इन्वेस्टिंग को लेकर तैयार किया है, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ETF के बेनिफिट हैं, कैसे ETF में आपको लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, कैसे ETF में आपको एक अच्छी लिक्विडिटी मिलती है। तो आप निफ्टी ETF और जूनियर निफ्टी ETF के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अपने बच्चे के लिए एक अच्छा कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के अलावा अगर इक्विटी के माध्यम से आप जो एक अच्छी वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आप ETF इन्वेस्टिंग की तरफ भी जा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक ट्रेडिशनल वे जो बहुत सारे पेरेंट्स ऑलरेडी करते हैं वो फिक्स डिपॉजिट का है। वर्तमान में अगर बात करें तो आपको फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा ब्याज मिल सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की जो साइकिल है वो ऊपर की तरफ चल रही है। अपर इंटरेस्ट रेट साइकिल में इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़े हुए हैं, तो आप अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं अपने बच्चे के लिए तो आप हायर इंटरेस्ट इसमें अचीव कर सकते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट भी एक ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट है, कई बार फिक्स डिपॉजिट जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है, पर जब आप एक अच्छा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड ETF फिक्स डिपॉजिट PPF और फिर डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं इसका आप बनाएंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो इन्फ्लेशन को बीट करेगा। तो फिक्स डिपॉजिट के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों वो डायरेक्ट इक्विटी का है। अब डायरेक्ट इक्विटी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वर्तमान में जो इन्फ्लेशन है वो 6-7% के आसपास है, और करीब करीब 3% के हिसाब से आपकी करेंसी जो है वो विद रिस्पेक्ट डॉलर डेप्रिशिएट हो रही है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो आपको फेस करना पड़ रहा है वो करीब करीब 2 digit में बना हुआ है। तो 2 digit के इन्फ्लेशन को अगर आपको बीट करना है तो आपको इक्विटी में भी एक्सपोजर लेना पड़ेगा। प्रपोर्शन आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट इक्विटी में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है जिनका कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिनके बिजनेस को आप समझ सकते हैं, जो लगातार प्रॉफिटेबल कंपनीज बनी हुई हैं, जो ब्लू चिप कैटेगरीज में आती हैं, जहां पे म्यूचुअल फंड्स और FII FPI डायरेक्ट इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसी कंपनीज में आपको वो करना है जिसका जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। जो टॉप ब्लू चिप कंपनीज हैं अगर उनका एक डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप बनाएंगे, एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए आपने कुछ IT सेक्टर की 2 companies को ले लिया, जैसे कि TCS है, इंफोसिस है, आपने डायवर्सिफाइड सेक्टर से रिलायंस को ले लिया, आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर से टाटा मोटर या मारुति को ले लिया, आपने FMCG सेक्टर से HUL या ITC को ले लिया, आपने बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से HDFC बैंक और ICICI बैंक को ले लिया, आपने पब्लिक सेक्टर में SBI को ले लिया और बैंक ऑफ बड़ौदा को ले लिया, तो ये कुछ ऐसी कंपनी जिनके प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है जहां पे आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। और किसी भी सेक्टर की 2 से ज्यादा कंपनीज आपको अपने पोर्टफोलियो में नहीं लेना है, क्योंकि कई बार सेक्टर रोटेशन होता है जिसको लेके अलग अलग वीडियोस में आपको मैं कई बार बता चुका हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पोर्टफोलियो इक्विटी का, जो डायरेक्ट इक्विटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना जरूरी है। और कोशिश आपको ये करना है कि आपके इक्विटी के पोर्टफोलियो में किसी भी स्थिति में 20 से ज्यादा स्टॉक ना हो, क्योंकि कई बार ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी आपके पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मैंने आपके बच्चे के लिए बताए हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को, जो कि आज का आपका लिटिल स्टार है और आप उसको भविष्य में फाइनेंशियली सुपर स्टार बनाना चाहते हैं, तो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं जो अगर आज आप लेंगे तो आप अपने बच्चे का सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारे YouTube चैनल का काम आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमारे YouTube चैनल के बारे में चर्चा करें, हमारे हर वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर दें। तो दोस्तों फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए अभिषेक उपाध्याय की तरफ से आपको साइन अप।